हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, अपने सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला है और आगे भी संभालेगा करके हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति, आपके जय जयकार करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। उद्धार करता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को सुन रहे, वचन को सुन रहे, तो आज आप सेम नहीं रहेंगे, आज आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। चाहे कितना पुराना से पुरानी बीमारी हो, चाहे कितने पुराने से आप परेशान हो, दर्द हो, परेशानी में हो, तकलीफ में से होकर गुजर रहे हो, श्राप हो, बीमारी की श्राप हो सकती है, कर्ज में दबे हुए, बोझ से दबे हो, लेकिन पुराने से पुराने वो सब चीज खत्म हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर कैसे खत्म होगी, हम क्या करें, तो ये जो पुराने बंधन है वो टूटेंगे और खत्म हो जाएंगे। यदि आप समस्याओं में है, यदि आप परेशानियों में है, तो आपको प्रभु को पुकारना है। और प्रभु को पुकारने से पहले आप जब प्रभु की स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, तो वो बंधन टूटेंगे और आप आजाद हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि हम स्तुति करेंगे, हम गीत गाएंगे, तो वो कैसे टूटेगा? हमें क्यों प्रभु की स्तुति करना चाहिए, क्यों आराधना करना चाहिए? क्योंकि वह हमारा सृजनहार है। उसने आपको और मुझको, सभी लोगों को बनाया, उसने जगत की सृष्टि की है, सभी को बनाया और इसी के द्वारा हम रचे गए हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मैं प्रभु की स्तुति करना चाहिए, चाहे कष्ट में हो, दुख में हो, समस्याओं में, हर वक्त हमें प्रभु की स्तुति में महिमा तारीफ करते रहना चाहिए। दानियल को देखो, इतने कष्टों में था, इतने दुख में था, इतने तकलीफों में था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो प्रभु की स्तुति करना नहीं छोड़ा। हस्ताक्षर कर दिए गए, निकाल दिया गया आज्ञा कि कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन दानियल को देखो, दानियल रोज 3 बार वो प्रार्थना किया करता था दिन में। हालेलुया। आप पढ़ सकते इस वचन को, दानियल की किताब 6वां अध्याय 10वां वचन में। दानियल रोज प्रार्थना करता था 3 बार। जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं 119 अध्याय उसका 164वां वचन में कि तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता रहूंगा, करता हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद दे, प्रार्थना में बने रहें, प्रभु से प्रार्थना करने का आत्मा में मांगे। जैसे रोमियो की किताब 8वां अध्याय 26वां वचन में लिखा है कि हमारी निर्बलता में वह हमारी मदद करता है, प्रार्थना करने के लिए हमारी सहायता करता है, वही भर भर कर प्रार्थना करने का आत्मा देता है। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका आत्मा प्रार्थना करेगा। तो आत्मा का प्रार्थना करने का आत्मा मांगे परमेश्वर से, प्रभु को प्रार्थना करने का आत्मा देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम स्तुति करते हैं, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, तो बंधन टूटते हैं, हर एक परेशानी वो खत्म हो जाती है। हालेलुया। कई बार होता है प्रार्थना करते तब कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम स्तुति करते खुले मन से, गीतों को गा गा कर प्रभु की आराधना करते, प्रभु की महिमा करते, क्योंकि प्रभु कहाँ निवास करता है, स्तुतियों में निवास करता है। जब हम स्तुति करते, प्रभु की महिमा करते हैं, तब सच में बंधन टूटते। जिस तरीके से हम पढ़ते प्रेरितों के काम में, पत्रस और सिलास वो कहां पर बंधे हुए थे, बंदीगृह में डाल दिया गया था। क्या वो चुप करके बैठे रहे, क्या वो सो गए जेल में? नहीं, आधी रात को लगभग उसने स्तुति करना शुरू कर दिया, प्रभु की महिमा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और जब महिमा कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, तब क्या हुआ? आप सभी लोगों को ये वचन के बारे में मालूम होगा, तब वो क्या हो गया, सारे जंजीरें क्या हो गई, टूट गई। देखो, जब स्तुति कर रहे थे तो कितना बड़ा महिमा आया, सब कुछ, और वहां का दरोगा ने उद्धार भी प्राप्त किया। तो जब हम स्तुति करते तो प्रभु का धन्यवाद करते, जिसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था, प्रचार करने के लिए, प्रभु का प्रचार करने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो क्या उन्होंने दोष लगाया कि हम तो इतना कर रहे हैं, हम उतना कर रहे हैं, तो फिर हमें क्यों जेल में डाल दिया गया? उन्होंने दोष नहीं लगाया, बल्कि स्तुति की, उन्होंने आराधना की, प्रभु की महिमा की। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो कुछ ना कोई रोड़ा तो जरूरी आता है, लेकिन उन्होंने उसको अपने ऊपर हावी ना होने दिया। शैतान यही चाहता कि हम बुड़बुड़ाते रहें, कुड़कुड़ाते रहें जब कोई ऐसी परेशानियां आती हैं। लेकिन पौलुस और सिलास ने वो प्रार्थना किया, वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो मरमरिंग नहीं किया, बुड़बुड़ाया नहीं, बल्कि प्रार्थना भी नहीं, बल्कि स्तुति करना शुरू कर दिया, गीत गाना शुरू कर दिया, भजन गाना शुरू कर दिया, प्रभु की तारीफ करना शुरू कर दिया आधी रात को। और देखो, बंधन टूट गए, भूकंप हुआ, भूइढोल हुआ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और जब हम स्तुति करते तो बंधन टूटते। जब आप प्रार्थना करोगे, जब प्रभु की स्तुति करोगे, महिमा करोगे, अपने दर्द की हालत में भी जब स्तुति करोगे, अपनी गरीबी की हालत में, आप कर्ज में हो, श्राप में हो, बंधन में हो, कोई भी क्यों नहीं, हॉस्पिटल में भी हो, आप गाना सुन रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे, तो आपके बंधन टूटने जा रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है।
हालेलुया। जितने लोग आज के वचन को सुन रहे हैं और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखोगे, आप अपने आंखों से बंधन को टूटते हुए देखोगे। हालेलुया। विश्वास करो तो प्रभु की महिमा को देखोगे अपने जीवन में। कई लोग क्या करते, सीधा प्रार्थना करना शुरू कर देते, गीत गाना उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वह स्तुतियों में निवास करता है। जब भी आप प्रार्थना करना शुरू करें तो सबसे पहले गीत से स्टार्ट करें, गीत गाएं, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि हमारा सृजनहार रचयिता करता है। जब हम गीत गाते हैं सभी मिलकर तो प्रभु स्तुतियों में विराजमान हो जाता है। तब जब परमेश्वर आ जाता है तो सोच लो वो बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। फिर जब बंधन टूटेंगे तो आपको मालूम है फिर आशीष आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए प्रार्थना करना ना छोड़े, स्तुति करना ना छोड़े, गीत गाना ना छोड़े। अपने दस्तार वाले सारंगी को बजा बजा कर, तालियों से बजा बजा कर प्रभु की महिमा कर, स्तुति करो, तब के बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। पौलुस जो था और पतरस था, वो दोनों ने प्रभु की स्तुति की, प्रभु की महिमा की। हम देखते दाऊद भी प्रभु की महिमा करता, स्तुति करता, तो प्रभु ने उसे विजय दिया। हालेलुया। प्रभु की महिमा की, प्रभु की स्तुति की, प्रभु की आराधना किया। तो जब हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा। आत्मा जैसे बयान से बाहर होकर प्रार्थना करती है, वो प्रभु आपको प्रार्थना करने का आत्मा देगा और आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद हो जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। जितने लोग स्तुति नहीं करते थे लेकिन आज से बोले कि आज से मैं पहले गीत गाऊंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगी, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगी, प्रभु की महिमा करेंगे, तालियां बजा बजा कर प्रभु की स्तुति करेंगे। उसके बाद आपको सब चीजों के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन सबसे पहले आपको स्तुति करना, गीत गाना है, उसके बाद प्रभु की प्रेजिंग करना है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये सब नया दिन दिया, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने संभाल के रखा, इसको प्रेजिंग करना कहते हैं। उसके बाद आपको प्रार्थना करना है हर एक विषय के लिए जो आपके जीवन में जरूरत है। तो सचमुच में जब आप प्रार्थना करोगे उसी के बीच में आपको प्रभु प्रार्थना करने का आत्मा देगा, प्रभु बात करेगा, दर्शन देगा, अनुग्रह देगा, प्रार्थना करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना कर पाओगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आइयो, परमेश्वर रात को आज आपसे बात करेगा, परमेश्वर रात को अच्छी मीठी नींद देगा, दर्शन देगा, सपना देगा, लाइट देखोगे और परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। इसलिए डरे ना, घबराए मत और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखोगे। आमीन। आगे अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के लोग धन्यवाद करते, प्रभु जी मेरे के जन के लिए प्रार्थना करते, सबको प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, गीत गाने के लिए, आपकी प्रेजिंग करने के लिए, महिमा करने के लिए, सभी को अनुग्रह देकर चलाना पिता परमेश्वर। आत्मा जैसे बयान से बाहर होकर प्रार्थना करती है, वैसे आत्मा देना प्रार्थना करने वाला विशेष अनुग्रह कृपा देना पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, पिता परमेश्वर। एक एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ प्रभु। सभी लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, अनुग्रह देके चलाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करुणा में प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे एक एक जन को यीशु के नाम में कवर करते, आपके परिवार को यीशु के नाम में कवर करते, जहां जाते प्रभु आपके संग साथ रहे। आज रात को परमेश्वर अच्छी मीठी प्यारी नींद दे, स्वप्न दर्शन के द्वारा परमेश्वर बात करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना करती हूं यीशु के समर्थ नाम, मेरे एक आपकी बीमारी यदि से पुरानी बीमारी वो बंधन टूटे, आजाद हो जाए। हर एक श्राप, हर एक कर्ज के श्राप से, हर एक बीमारी के श्राप से पीछे हटी स्थिति में जो लोग यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रार्थना करती हूं हर एक शैतानी की युक्ति से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम श्राप कर्ज बंधन से आजाद हो जाए इसी वक्त इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पुरानी से पुरानी बीमारियां यदि है, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम है, फायर इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आग गिरते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, हर एक पुरानी बीमारी को डालते यीशु के समर्थ नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हड्डी के रोगों की समस्या है, कोई भी है, जोड़ों का दर्द है, दर्द है आपके पीठ में, आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिनका लाइलाज बीमारी है, जिनको कैंसर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कोई भी किडनी का फेल्यूर है, जो प्रॉब्लम है, डायलिसिस लगा, यीशु के समर्थ नाम में डांटते जाओ, चंगे हो जाए यीशु के समर्थ नाम में। आपके गले के दर्द, आपका अस्थमा के प्रॉब्लम को मैं डांटते जाओ, हो जाए इसी वक्त आपके अस्थमा जाए, आपके थायराइड की प्रॉब्लम जाए, आपके गले का दर्द जाए, आपके डिप्रेशन की बीमारी जाए, आपके माइग्रेन की समस्या को डांट से ज्यादा चंगे हो जाए इसी वक्त राइट नाउ इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनको पीलिया यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं पीलिया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घुटने के दर्द, आपका हर तरह की बीमारी को मैं डांटते जाओ, चंगे हो जाए। हालेलुया। जितने बच्चे बीमार, यीशु के समर्थ नाम में चंगे हो जाए। जिनके स्किन की प्रॉब्लम है, गुप्त प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थ नाम में जाओ, चंगे हो जाए। आपकी हर प्रकार के प्रॉब्लम्स को मैं डांटते आपके जीवन से निकालते यीशु के समर्थ नाम में। जिनकी हेयर फॉल होते हैं, यीशु के समर्थ नाम में जाओ, चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दी, अपने चंगा कर दे। मैं धन्यवाद करते रहे एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर।
प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। सर प्रार्थना को सुनिया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सर प्रार्थना को सुनिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ जिनके घरों में लड़ाइयां झगड़े होती, परेशानी चल रही, यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जॉब को सुरक्षित रखती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आपके कामों को ब्लेस करती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ, और फलवंत हो, बी फ्रूटफुल इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घरों में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए, आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए, आपके जीवन को ब्लेस करती हूँ। जो नशा करते हैं उन नशे को मैं डांटती हूँ, जीवन को छोड़ के जाए, आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। बुरी आदतें, गंदगी आदतों से इधर उधर के देखने की चीजों से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। जो पाप में डुबाती है ऐसी चीजें आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हर एक पुरानी से पुरानी श्राप, कर्ज, बंधन से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। जब हम स्तुति करते हैं तो बंधन टूटते और हम आजाद होते हैं। बोलो आज के बाद हम प्रभु की स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रेजिंग करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु धन्यवाद करते, प्रभु सबको रात को अच्छी मीठी नींद देना, स्वर्ग के दर्शन से बात करना, पिता परमेश्वर आपने छुड़ाया, चंगा किया। प्रभु जी धन्यवाद करती, हर एक जन के शुक्र में कवर करती, परिवार को शुक्र में कवर करती हूँ, खुशी और शांति आपके जीवन में सदैव बने रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। जल्द आने वाले उसके लिए तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हूँ, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें, प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए गए उसमें विश्वास के साथ प्रार्थना कराएं, गवाही देने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसमें गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। आप अपने भेंट अपने दशमांश को आप दे सकते हैं बैंक के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू दे सकते हैं। इस मिनिस्ट्री के प्रार्थना करें और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। सभी लोग अपने जीवन का हिस्सा बना लो कि मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें, ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, लोगों को बचा सके, सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु सदानंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे होगी उसके लिए आप सभी तैयार रहे। प्रभु सदानंदित रहे, आप सभी लोगों को जय मसीह की।